नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अवैध रूप से बेची जा रही कच्ची शराब को रुकवाए जाने के संबंध में ग्रामीणों द्वारा एसपी कार्यालय पर दिया गया ज्ञापन। सहारनपुर जिले के ग्राम नयागांव थाना रामपुर मनिहारन में कच्ची शराब का धंधा बेखौफ चल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई घरों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है। इससे गांव के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है, साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में कहा कि यह धंधा गांव के माहौल को खराब कर रहा है और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध शराब का धंधा बंद करवाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे माहौल में पले। उन्होंने प्रशासन से आश्वासन दिया है कि इस मामले में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नाम ललिता है और मैं नया गांव से हूँ, ब्लॉक बलियागढ़ी पड़ता है हमारा। हमारे गांव में जो है कच्ची शराब निकालने का काम चल रहा है, जिसमें हर कास्ट के बंदा जो है शराब निकाल रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े सब लोग जो है शराब पी रहे हैं और अपने घरों में मारपीट कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। पूरा दिन महिलाएं काम करती हैं और वहाँ से आने के बाद में फिर वो जो है उनकी मार खाती हैं, तो महिलाएं इस बात से परेशान हैं और वो एसएसपी महोदय को जो है आज यहाँ जो है एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ, जिसको लेकर जो है कार्रवाई करने की मांग कर रही है। जब वो कौन लोग हैं जो कच्ची शराब बना रहे हैं, क्या नाम है उनके? उनका नाम, एक का नाम मेजपाल है जी, बताओ जी। मेजपाल है और उनका नाम है मन्नी है जी, एक मन्नी है जी, एक बलिंदर है जी। ये कौन लोग हैं जो कच्ची शराब बना रहे हैं? ये गांव से ही हैं, सब अलग अलग कास्ट के लोग हैं, किसी एक कास्ट से नहीं है, सब अलग अलग। चौकी कौन सी लगती है आपकी? नहीं, हमारा थाना लगता है थाना राम, थाना लगता है रामपुर मनियारा। तो आज एसएसपी साहब ने क्या इसमें आश्वासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, हमारे सामने जो है रामपुर थाने फोन लगाया, उन्होंने कहा है कि हमारी बात कराइए, बोल रहा है कि आप लोग जाइए और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा, क्या पहले इससे पहले रामपुर थाने में भी कोई एप्लीकेशन दी थी इस मामले में आप लोगों ने? इससे पहले कोई हमने एप्लीकेशन नहीं दी, हम फर्स्ट टाइम जो है एसएसपी महोदय को ही जो है कोई एप्लीकेशन दिया ना। तो गांव के प्रधान को भी क्या इस बारे में पहले अवगत कराया था? प्रधान के द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी? प्रधान के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ना, हमने उन्हें अवगत कराया, हम सीधा एसएसपी महोदय से ही मिलने आए। ठीक है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।